दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। 40 स्टार प्रचारकों के नाम इस लिस्ट में है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई सारे बड़े ऐसे कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनके नाम है ये पूरी लिस्ट जो कि ऑनलाइन टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, निरहुआ का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, रवि कृष्ण का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि बिहार और पूर्वांचल के इलाके से लोग आकर के यहां पर रहते हैं और यहां के वो वोटर हैं। माना ऐसा जाता है कि करीब 30 ऐसी सीटें हैं दिल्ली विधानसभा की जिसमें पूर्वांचल और बिहार के लोगों के जरिए से वो सीट प्रभावित होती है। वोटिंग के नजरिए से देखा जाए 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचल के लोग और बिहार के लोग डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। और ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल होना बहुत ही स्वाभाविक था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव को अगर आप उठा करके देखें तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों के लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने शामिल किया था। हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत स्वाभाविक तो यह है कि योगी आदित्यनाथ का नाम उसमें हो, निरहुआ का नाम उसमें हो, उसमें रवि किशन का नाम हो और जाहिर तौर पर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेताओं का नाम उसमें होगा, मगर रूपरेखा क्या बनाई जा रही है? कैंपेनिंग की शुरुआत कब से होगी, कब से इनके कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ खाका है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी गई है उसमें महज 40 नाम है। जो जैसा कि जिक्र हो रहा था, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या राजनाथ सिंह, ये ऐसे नाम है जो कि लगभग हर लिस्ट में, जब भी बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है तो उसमें ये शामिल होते हैं, खासकर यूपी के। और इस बार रवि किशन और समेत कई लोगों को लगाया गया क्योंकि जिस तरह दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी काफी ज्यादा है और उसे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मोटिवेट करने के लिए इन लोगों को लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो रणनीति है उसका खाका बहुत लंबा चौड़ा तैयार किया गया। बीजेपी के लगभग यूपी और उत्तराखंड सभी सांसद जो है वो इस रूपरेखा में शामिल किए गए हैं और डेली 750 नुक्कड़ सभाएं जो है वो इन सांसदों को करनी है। और इस बार जो प्रोसीजर बीजेपी खासतौर पर क्रिएट कर रही है उसमें जो भी सभाएं होंगी वो 50-50 लोगों की सिर्फ नुक्कड़ सभाएं होंगी, यानी 50-50 लोगों के साथ ये सांसद जो है वो बैठक करेंगे। जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है, स्टार प्रचारक जो है उनकी जगह जगह रैली छोटी नुक्कड़ मगर अमित जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिल्ली विधानसभा के चुनाव में रहा, दो चुनाव में देखा गया, इस चुनाव में किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है? क्योंकि टक्कर किसके बीच में माने जाए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी और सीधे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो क्रेज है इससे बीजेपी को भी ये सारी चीजें पता है और यही एक बड़ी वजह है कि इस बार भी सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। दूसरी बड़ी चीज की जिसकी मैं बात कर रहा था कि बीजेपी के जो सांसद और जो लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए बुलाए गए हैं वो 50-50 के ग्रुप में लोगों से मिलेंगे, यानी बीजेपी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के खतरे का एहसास है। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 5 साल चली है और जिस तरह से जनता का रुझान सामने दिख रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पे माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इन तमाम जानकारी के लिए।